आज बात करेंगे कि सिंगर क्या कवर सॉन्ग करके यूट्यूब से या अदर साइट से पैसा कमा सकता है। यहाँ पर एक चीज आपको खासकर देखने को मिलेगी, कवर सॉन्ग बेस्ट चैनल जल्दी ग्रो कर लेते हैं क्योंकि जो ऑडियंस है उसे बॉलीवुड गाने शुरू से ही अच्छे लगते हैं और वो उन गानों को बार बार सुनना पसंद करती है। जबकि म्यूजिक ट्यूटोरियल चैनल ऑडियंस कम देखना पसंद करती है, इसीलिए ये चैनल बहुत देरी से और बहुत समय के बाद ग्रो होते हैं। जैसे आप मेरी वीडियो एक बार देखेंगे या आधी वीडियो देखेंगे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये सॉन्ग बेस्ड चैनल होते हैं। यूट्यूब पर इन दोनों चैनलों में ये डिफरेंस आपको जरूर देखने को मिलेगा। जो सिंगर कवर सॉन्ग करते हैं वो यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाते, ये यूट्यूब के माध्यम से अपने टैलेंट को लोगों तक पहुँचाने में कामयाब हो जाते हैं और बहुत जल्दी अपने चैनल को ग्रो कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ तो इनका मेन फोकस होता है लाइव शो के अलावा कुछ स्ट्रीमिंग साइट जैसे डिस्ट्रोकिड जो कवर सॉन्ग को लीगली प्रमोट करती है, वहाँ से भी थोड़ा बहुत ये अर्निंग कर लेते हैं। तो देखिए, यूट्यूब एड रेवेन्यू से इतना पैसा जनरेट नहीं होता क्योंकि यहाँ कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिससे यूट्यूब एड रेवेन्यू शेयर हो जाता है और क्रिएटर को कुछ ही पैसा मिल पाता है जो कि बहुत कम होता है। अगर आप यूट्यूब पर कवर चैनल को प्रोफेशनल चैनल बनाना चाहते हैं तो आप इतना एड रेवेन्यू यूट्यूब पर प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे आप सिंगर की किसी भी कैटेगरी में आते हों, जैसे वो सिंगर जो म्यूजिक किसी दूसरे से कंपोज करवाते हैं या फिर वो सिंगर जो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना जानते हैं जैसे गिटार, पियानो, या फिर वो सिंगर जो म्यूजिक को खुद प्रोड्यूस करते हैं या म्यूजिक कंपोज करते हैं। आप सबके लिए यूट्यूब पर केवल एक ही पॉलिसी लागू होगी, जब तक आपके एक या दो वीडियो यूट्यूब पर पॉपुलर नहीं हो जाते, जब तक आपको लाइव शो मिलने वाला नहीं है। पर जब आप YouTube पर एक बार क्लिक हो जाते हैं तो आपको लाइव शो मिलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए सिंगर कवर सॉन्ग बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं क्योंकि पहले तो ये लोग बॉलीवुड सॉन्ग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरा ये किसी भी इवेंट या लाइव शो में ऑडियंस द्वारा बॉलीवुड गानों की मांग की जाती है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है, यूट्यूब पर एक्टिव यूजर की, जिस किसी के पास यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव बेस है वह उतनी अर्निंग कर सकता है। आज नहीं कल उन्हें यूट्यूब पर पैसा कमाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। जब कवर सॉन्ग चैनल पर आपका एक एक्टिव यूजर बेस हो जाता है, आप किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं, आपको लाइव शो मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यूट्यूब एड रेवेन्यू आपका बढ़ जाता है, आप एक एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और भी अर्निंग के अदर सोर्सेज बन जाते हैं। कवर चैनल में सबसे बड़ी परेशानी कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक की आती है, आपको बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। जहाँ तक कवर सॉन्ग का सवाल है, यूट्यूब पर कवर सॉन्ग को डिलीट करने के नोटिफिकेशन भी क्रिएटर को मिल जाते हैं। लेबल ये डिसाइड कर सकते हैं कि वह 100% एड रेवेन्यू अपने पास रख लें, और कुछ केसों में ये देखा गया है कि लेबल एड रेवेन्यू शेयर करते हैं। कितना शेयर करते हैं उसकी डिटेल यूट्यूब स्टूडियो में अवेलेबल नहीं होती, पर ये इतना ज्यादा भी नहीं होता। 40% एड रेवेन्यू तो यूट्यूब के पास ही जाता है कि जो 60% है वो रिकॉर्ड लेबल के पास जाता है और जो कुछ बचा है वो आर्टिस्ट के पास जाता है, जो बहुत कम होता है। तो कवर सॉन्ग का म्यूजिक ओरिजिनल म्यूजिक से अलग कंपोज करें तो यूट्यूब पर कवर चैनल से सिंगर इतना ज्यादा अर्निंग नहीं कर सकते। जो अर्निंग का मेन स्रोत होता है यूट्यूब एड रेवेन्यू बहुत कम मिलता है, तो इनका मेन फोकस होता है लाइव शो और एक्टिव यूजर बेस ने लाइव शो की अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएं,
इसके साथ ही अगले वीडियो में बात करेंगे कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपने सॉन्ग की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, जिससे वो अपने सॉन्ग को हिट और पॉपुलर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर एक वीडियो में बहुत ज़्यादा समय और मेहनत लगती है।